भारत से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है? आज कोई मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से पूछे। भारत के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है? आज कोई मोइजू से पूछे। चीन से दोस्ती का अंजाम क्या होता है? आज कोई मोइजू से पूछे। मोइजू जब से चीन से लौटे हैं उनका रवैया भी चीन की तरह तानाशाह वाला हो गया है। अंजाम ये है कि अब उनकी कुर्सी खतरे में है। मोइजू को राष्ट्रपति का पद कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। इससे जुड़ी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बाहर भी घिरे मोइजू, घर में भी घिरे मोइजू, भारत के खिलाफ बोलने का ऐसा अंजाम मालदीव के तानाशाह राष्ट्रपति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। चीन से दोस्ती का अंजाम ऐसा होगा मालदीव ने कभी सोचा नहीं होगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मालदीव के संसद के भीतर की है। मालदीव के संसद में खूब हुई जूतम पैसा। आखिर मालदीव के संसद में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की कुर्सी अब खतरे में आ गई है। कैसे चीन से दोस्ती मोइजू को पड़ी महंगी, कैसे भारत का विरोध मोइजू को डुबा देगा। जी हाँ, हकीकत यही है, अब मोइजू के दिन लदने वाले हैं। अब मोइजू की तानाशाही नहीं चलेगी। मालदीव में मोइजू का विरोध खुलकर सामने आ चुका है। सत्ता में आने के बाद से ही भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब खुद ही बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। विपक्षी पार्टियां अब किसी भी हाल में मोइजू को राष्ट्रपति के पद पर देखना नहीं चाहती। मालदीव में विपक्ष ने एक सुर में कह दिया है, मोइजू को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मालदीव में तख्ता पलट की तैयारी। चीन परस्ती मोइजू पर पड़ी भारी। मोइजू के खिलाफ चलेगा महाभियोग। मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मोइजू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। एमडीपी ने मोइजू सरकार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के खातिर पर्याप्त सांसदों के हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उसकी सहयोगी पार्टी भी मोइजू के खिलाफ महाभियोग के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत का विरोध और चीन से दोस्ती और मोइजू के लिए इतनी महंगी पड़ने वाली है। मोइजू की हरकतों की वजह से मालदीव का संसद तार तार हो गया। सत्ताधारी दल और विपक्ष एक दूसरे पर ऐसे हावी हुए कि एक दूसरे से मारपीट पर उतर आए। ये वीडियो रविवार का है। मोइजू की पार्टी ने नेताओं पर चीनी राष्ट्रपति के तानाशाही का ऐसा असर हुआ है कि संसद के भीतर ही जूतम पैजार कर डाला। दरअसल मालदीव की संसद में मोइजू मंत्रिमंडल के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन विपक्षी दल एमडीपी ने साफ कह दिया कि वो चार मंत्रियों की मंजूरी रोक देगी। इसके विरोध में मालदीव में सत्ताधारी दल विरोध में उतर गया। सत्ताधारी गठबंधन पीपीएम और पीएनसी के सांसद भिड़ गए। वो नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि सदन में वो अल्पसंख्यक हैं। मोइजू के रहने से मालदीव कैसे बर्बाद हो गया, ये तस्वीर उसकी एक झलक है। मोइजू की तानाशाही तभी सामने आ गई थी जब उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू की थी। मोइजू की तानाशाही तभी सामने आ गई थी जब वो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की गोद में जा बैठे थे। मालदीव की संसद में मारपीट कर मोइजू ने ये फिर साबित कर दिया कि तानाशाह देश से दोस्ती का असर क्या होता है। अब मोइजू की हालत ये है कि न घर के रहे न घाट के, कभी भी उनकी कुर्सी जा सकती है। चीन की दोस्ती से मोइजू का बुरा अंजाम। चीनी जहाज को इंडोनेशिया ने खदेड़ा। जी हाँ, खबर के मुताबिक इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड ने चीन के एक जहाज को तब रोक दिया जब वो मालदीव जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जहाज का ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टर बंद हो गया था। इंडोनेशियाई प्राधिकरण ने ये कदम तब उठाया है जब देश के समुद्री क्षेत्र से गुजरते समय चीनी जहाज ने 3 बार अपने ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया। जहाज के चालक दल ने ट्रांसपोंडर को चालू करने से इनकार किया और दावा किया कि ये टूट गया है। जाहिर है चीन इस जहाज के जरिए होशियारी करने की कोशिश कर रहा था, जिसे समय रहते इंडोनेशिया ने रोक दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को इससे भी कुछ सीख लेनी चाहिए कि चीन की मंशा क्या है। चीन से दोस्ती करके मोइजू ने मालदीव को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। जाहिर है विपक्ष को इस बात का बखूबी अंदाजा है
कि भारत से दुश्मनी और चीन से दोस्ती मालदीव का भविष्य कैसे खराब कर देगा, जिसका असर अभी से दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.